गोल्डन शेर का बच्चा और ब्लैक पैंथर। एक बार की बात है, एक घना जंगल था। जंगल का राजा एक काला चीता था जिसका नाम था बगीरा। उसे जंगल में एक सुनहरा शेर रहता था जो बूढ़ा हो चुका था। शेर ना तो किसी से बात करता था और ना ही कहीं आता जाता था। जंगल के जानवर ही शेर के लिए भोजन लाकर दिया करते थे। शेर उस भोजन को कभी खाता तो कभी छोड़ देता था। ये देख सारे जानवर उदास रहते थे। एक दिन हाथी और लोमड़ी शेर के लिए भोजन लेकर आते हैं और वो देखते हैं कि कल का भोजन यूं ही पड़ा था। शेर रास्ते की ओर उदास नजरों से देख रहा था। ये देख हाथी कहती है, अरे इतने साल बीत गए पर आप उस रास्ते की ओर यूं ही देखे जा रहे हो। ना तो कुछ खा रहे हो और ना ही किसी से कुछ बोल रहे हो। हाँ कुछ तो बोलिए, हमसे आपकी ये पीड़ा देखी नहीं जाती। लोमड़ी बोल ही रही थी कि तभी वहाँ बगीरा आता है। अरे लोमड़ी, ऐसी क्या बात है जो तुमसे देखी नहीं जाती, जरा मैं भी तो सुनूं। लोमड़ी बगीरा को देखकर डर जाती है। महाराज वो मैं क्या कर रही है? वैसे इस निकम में शेर के लिए भोजन कौन ले आया? महाराज कई दिनों से शेर ने कुछ नहीं खाया है, अगर ऐसा ही रहा तो कमजोरी से वो मर जाएंगे। हाथी यूं बोल ही रही थी कि बगीरा हाथी और लोमड़ी का लाया हुआ सारा भोजन खा लेता है। ये देख हाथी और लोमड़ी उदास हो जाते हैं। अगर फिर कभी भी तुम दोनों में से कोई भी उस बुड्ढे के आसपास भी नजर आए तो तुम लोगों की खैर नहीं, समझे? चलो जाओ यहाँ से, वैसे भी ये मरता है तो मरे, इससे मुझे क्या। हाथी और लोमड़ी डर के मारे वहां से चले जाते हैं। ये देख बगीरा भी हंसते हुए वहां से चला जाता है। शेर यूं ही रास्ते की ओर देख रहा था। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। एक दिन बगीरा जंगल में घूम रहा था। बगीरा को देख जानवर अपने अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे। बगीरा अपनी धुन में मगन जंगल में घूम रहा था कि तभी एक बंदर भागते हुए उसकी ओर आता है और कहता है, अरे दोस्त हिम्मत है तो पकड़ के बता, आज तो मैं तुझे हरा कर ही रहूंगा। बंदर को देख ऐसा लग रहा था कि वो अपने दोस्त के साथ पकड़म पकड़ाई का खेल खेल रहा हो। बंदर इतनी तेजी से भाग रहा था कि वो बगीरा से टकरा जाता है, जिससे बगीरा को बहुत गुस्सा आता है। अरे वो पागल बंदर, तेरी ये हिम्मत कि तू मेरे रास्ते में आ गया? क्षमा कीजिए, वो मैं गलती से टकरा गया। वैसे मेरा नाम चिंटू है, अच्छा मैं चलता हूँ। अरे वो चिंटू, जो कोई भी मेरे रास्ते में एक बार आता है वो वापस नहीं जाता, समझा? अरे कहा ना माफ कर दो, गलती हो गई। बगीरा चिंटू की एक नहीं सुनता है और वो उस पर हमला करता है। चिंटू बगीरा के हमले से बच जाता है और अपने दोस्त को पुकारने लगता है। अरे भाई कहा है तू जल्दी आ, ये काला चीता पागल हो गया है, ये मुझे मार डालेगा। अरे ओ पागल चिंटू, क्यों ऐसे चिल्ला रहा है? मेरा नाम बगीरा है, मैं जंगल का राजा हूँ। तू जल्दी से अपने भाई को भी बुला ले ताकि मैं तुम दोनों का शिकार कर सकूं। अरे तुम राजा हो या मंत्री, इससे मुझे क्या, मेरा भाई आएगा तो तेरी बैंड बजा देगा। ये सुनकर बगीरा को और भी गुस्सा आता है। वो जैसे ही चिंटू पर हमला करने वाला था कि एक बहुत बड़ा सफेद शेर दहाड़ मारते हुए वहां आता है और चिंटू को खींच लेता है। सफेद शेर को देखकर बगीरा हक्का बक्का रह जाता है। अरे सिम्बा, मेरे भाई मेरे दोस्त तुम आ गए। अरे ओ चिंटू के बच्चे, जब देखो तब कोई ना कोई पंगा करते ही रहता है। चल माँ इंतजार कर रही होगी, अगर देरी हो गई तो खूब पिटाई होगी। ये कहते हुए सिम्बा बगीरा के ओर देखता है और कहता है, सुनिए क्षमा कीजिए, हमारी वजह से आपको तकलीफ हुई। हम पास के जंगल में रहते हैं, गलती से यहाँ आ गए, अब हम चलते हैं। अरे ओ चिंटू के बच्चे, चल चलते हैं। सिम्बा चिंटू को लेकर वहां से चला जाता है। बगीरा सिम्बा को देखकर हक्का बक्का हो गया था। जैसे ही सिम्बा वहां से निकलता है, बगीरा सिम्बा का पीछा करता है। सिम्बा और चिंटू हंसते खेलते जा रहे थे कि रास्ते में सिम्बा की नजर शेर पर पड़ती है। अरे चिंटू, वो देख सुनारा शेर,
कितना अद्भुत है, चल चल कर देखते हैं। अरे भाई अब माँ नहीं डांटेगी क्या, चल चलते हैं। अरे चुप कर और चल मेरे साथ। सिम्बा शेर के पास जाने लगता है कि तभी शेर की नजर सिम्बा पर पड़ती है। शेर एकदम से दहाड़ मारते हुए उठ जाता है। वो सिम्बा की ओर बढ़ने की कोशिश करता है पर कमजोरी की वजह से वो नीचे गिर जाता है। अरे आप ठीक तो हो ना? शेर सिम्बा की ओर बहुत ही प्यार से देख रहा था। बेटा तुम आ गए, तुम ठीक तो हो ना? सिम्बा और चिंटू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि शेर क्या कह रहा है। वही दूसरी ओर बगीरा ये सब देखकर घबरा जाता है। हाथी और लोमड़ी शेर के इस बर्ताव को देखकर तो चौंक जाते हैं। अरे इतने साल हम आपकी आवाज सुनने के लिए तरस रहे थे, बेटा तुम कौन हो? अरे हाथी तुमने पहचाना नहीं, ये मेरा बेटा है। यूं वो बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ चुटकी नाम की एक बंदरिया आती है। चिंटू और सिम्बा चुटकी को देखकर डर जाते हैं। अरे माँ हम आने ही वाले थे पर ये चिंटू ने मुझे यहाँ रोक लिया, चलो चलते हैं। अरे ओ भाई तू मुझ पर इल्जाम डाल रहा है, माँ भाई ने ही मुझे यहाँ रोक रखा है। चुटकी शेर को देखकर कहती है, महाराज प्रणाम, मैंने शेरनी को दिया हुआ वादा बखूबी निभाया है, ये आपका बेटा सिम्बा है। ये सुनकर सिम्बा और वहाँ खड़े सारे जानवर चौंक जाते हैं। हाँ मैं जानता हूँ, मैं इसे देखते ही पहचान गया। बेटा सिम्बा मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हारा ये जन्म रहस्य तुमसे छुपाया। असल में जब तुम अपनी माँ के पेट में थे तो तुम्हारे पिताजी किसी काम से पास के जंगल गए हुए थे। तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म दिया। बगीरा जंगल का राजा बनना चाहता था, उसने तुम्हारी माँ पर हमला कर दिया। तुम्हारी माँ तुम्हारी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग निकली, बगीरा उसके पीछे था। तुम्हें जन्म देने की वजह से तुम्हारी माँ कमज़ोर हो गई थी, उसने तुम्हें मुझे थमा दिया और कहा कि मैं तुम्हें लेकर ये जंगल छोड़ दूँ। उस वक्त मैं बिना सोचे समझे तुम्हें लेकर यहाँ से भाग गई थी। जब मैं जंगल में वापस आया तो शेरनी मरी पड़ी थी। शेरनी को मरा देख मैं सदमे में चला गया, लेकिन मेरे मन में कहीं ना कहीं एक छोटी सी उम्मीद थी कि तुम जिंदा हो और एक ना एक दिन जरूर वापस आओगे और उस बगीरा का अंत देखोगे। पेड़ के पीछे खड़ा बगीरा ये सब सुन रहा था। तब वो अपने मन ही मन सोचता है, अरे सबको मेरी सच्चाई पता चल गई, अब यहाँ से भागने में ही मेरी भलाई है, मैं वापस आकर इन सबको देख लूंगा। यूं बगीरा वहाँ से भागने की कोशिश करता है कि सिम्बा उसे देख लेता है और उसका पीछा कर उस पर हमला करता है और उसे मार डालता है। ये देख शेर और बाकी के सारे जानवर खुश हो जाते हैं। सिम्बा जंगल का राजा बन जाता है। शेर का बच्चा बना जंगल का राजा। स्विमिंग पूल रेस चैलेंज। एक बार की बात है, जंगल में बगीरा नाम का एक काला चीता रहता था जो बहुत ही निर्दयी और जालिम था। जंगल के राजा शेर के बार बार कहने पर भी वो जानवर को परेशान करता रहता था। एक दिन बगीरा जंगल में घूम रहा था कि रास्ते में एक खरगोश जख्मी पड़ा नजर आता है। खरगोश मदद के लिए चिल्ला रहा था, अरे कोई है मेरी मदद करो, कृपा करके मेरी मदद करो। बगीरा ये देखकर भी अनदेखा करके वहाँ से चला जाता है। तभी खरगोश की नजर बगीरा पर पड़ती है। अरे बगीरा कृपा करके मेरी मदद करो, मेरा घर पास में ही है, मुझे घर पहुँचा दो। अरे चल हट, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तेरी मदद करूँ। मेरा बस चले तो मैं तुझे यही कच्चा चबा जाऊँ, पर तेरे इन जख्मों को देखकर मैं तुझे छोड़ रहा हूँ। क्या पता कि ये जख्म क्या है, तुझे खाने के बाद अगर मुझे कुछ हो गया तो। बगीरा ये बोल ही रहा था कि हाथी और हिरन वहाँ आ जाते हैं। अरे बगीरा तुम कितने निर्दयी हो, खरगोश बेचारा जख्मी हालत में पड़ा है और तुम उसके साथ ऐसा पेश आ रहे हो। अरे ओ हाथी तू ज्यादा मुझे भाषण मत दे समझी, अगर मुझसे पंगा लेने की कोशिश की तो तेरी खैर नहीं। यूं बगीरा गुस्से से वहां से चला जाता है।
हाथी खरगोश को अपनी सूंड में पकड़कर उसके घर पहुंचाती है। हाथी और हिरन शेर के पास जाकर बगीरा की शिकायत करते हैं। महाराज, बगीरा दिन ब दिन हम जानवरों पर बहुत ही सख्ती से पेश आ रहा है, आप उसका कुछ कीजिए, उसने हम जानवरों का जीना मुश्किल कर दिया है। ये सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आता है। वो बगीरा को बुलाता है और कहता है, बगीरा, मेरे बार बार कहने पर भी तुम जानवरों को तंग कर रहे हो, अब तुम्हारी यही सजा है कि तुम ये जंगल छोड़कर चले जाओ। ये सुनकर सारे जानवर चैन की सांस लेते हैं और हंसने लगते हैं। बगीरा वहां से निकल जाता है। वो गुस्से की आग में जल रहा था, तब वो अपने मन में सोचता है, अरे उस शेर की ये हिम्मत कि वो मुझे जंगल से निकाल रहा है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा और ना ही इन जानवरों को जिन्होंने मेरी शिकायत की, मैं इस जंगल को बर्बाद कर दूंगा। यूं बगीरा नफरत की आग में जल रहा था। वो जंगल में ही छुपकर शेर पर हमला करने की योजना बनाता है और मौका देखकर वो शेर और शेरनी के खाने में जहर मिला देता है, जिससे अनजान शेर और शेरनी वो भोजन खा लेते हैं और मर जाते हैं। पर इत्तफाक से सिम्बा उस वक्त गुफा में नहीं था, वो बच जाता है। जब ये बात सारे जानवरों को पता चलती है तो वो सब उदास हो जाते हैं। सिम्बा का तो रो रो करके बुरा हाल हो चुका था। बगीरा सिम्बा को भी मार देना चाहता था, पर सारे जानवर मिलकर सिम्बा को बगीरा की नज़रों से छुपा देते हैं। बगीरा सिम्बा की काफ़ी छानबीन करता है, पर सिम्बा का कुछ पता नहीं चलता। बगीरा अपने आप को जंगल का राजा घोषित कर लेता है। आज से मैं इस जंगल का राजा हूँ, तुम सब मेरे गुलाम, अगर किसी ने मेरे खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की तो उसकी खैर नहीं। यूं बगीरा के राज्य में जानवर बहुत ही डरे और सहमे से थे। दिन यूं ही बीत रहे थे। सिम्बा बड़ा हो चुका था, वही दूसरी ओर बगीरा का आतंक जंगल में बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे में गर्मियों का मौसम आता है। जंगल में कई सारे तालाब सूख चुके थे। अब बस पूरे जंगल में एक ही तालाब था जिसमें पानी था। जंगल के सारे जानवर उसी तालाब पर निर्भर थे, पर बगीरा उस पर भी अपना कब्जा कर लेता है और वो जानवरों को पानी पीने से रोकता है। महाराज, अगर ऐसे ही रहा तो बिना पानी के हम सब मारे जाएंगे। मरते हैं तो मरने दो, मुझे क्या, अगर मैंने तुम सबको यहाँ पानी पीने के लिए छोड़ दिया तो आगे जाकर मुझे ही पानी नहीं मिलेगा। ये सुनकर हाथी उदास होती है। बिना पानी के जानवर तड़प रहे थे। ऐसे में सिम्बा हाथी को ढूंढते हुए तालाब के पास आता है, जहाँ हाथी और बाकी के जानवर तालाब के पास बैठे थे। बगीरा सिम्बा को देखकर चौंक जाता है। अच्छा, तो ये बिल्ला अभी भी जिंदा है, मैंने तो सोचा था कि ये कब का मर चुका है। चलो कोई बात नहीं, अब बिना पानी के ये भी मर जाएगा। अरे तुम कैसे राजा हो जो अपनी प्रजा को यूं परेशान कर रहे हो। अच्छा तो कल का पिल्ला अब मुझे सिखाएगा कि राजा क्या होता है, तू जानता नहीं कि मैं बहुत ताकतवर हूं। तुम चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर तुम अपने जानवरों को यूं परेशान करोगे तो कभी भी उनके मन में जगह नहीं बना पाओगे। अगर वो बगावत पर आ गए तो तुम्हारी खैर नहीं, छोटी सी छोटी चींटी भी बड़े से बड़े जानवर को नीचे गिरा सकती है, ये बात मत भूलना कभी भी। अरे बाप रे, मैं तो तुम्हारी बातों से डर गया। अरे चल हट, बड़ा आया भाषण देने वाला। ठीक है, तुम अपने आप को बहुत ही ताकतवर समझते हो ना। अरे इसमें समझने वाली क्या बात है, मैं हूं ही ताकतवर। तो फिर ठीक है, हमारी लड़ाई पानी के लिए है तो हम एक स्विमिंग की प्रतियोगिता रखते हैं। जो भी हारेगा, हारने वाले को जीतने वाले की हर बात माननी पड़ेगी। क्या स्विमिंग रेस? ठीक है, मैं तैयार हूँ। यूं जानवरों और बगीरा के बीच स्विमिंग रेस होती है। लोमड़ी, हिरन और सिम्बा बगीरा का डट कर सामना करते हैं। लोमड़ी और हिरन बीच में ही रुक जाते हैं। सिम्बा जी जान लगाकर बगीरा को हरा देता है।
ये देखकर सारे जानवर खुश हो जाते हैं। बगीरा अपनी हार को लेकर गुस्से से पागल हो जाता है और वो सिम्बा पर हमला करता है। दोनों के बीच जमकर लड़ाई होती है। सिम्बा की ताकत के सामने बगीरा हार जाता है। सिम्बा उसे मार डालता है। बगीरा की मौत को देख सारे जानवर खुश हो जाते हैं। सिम्बा जंगल का राजा बनता है और एक अच्छा राजा होने का हमेशा कर्तव्य निभाते हुए खुशी से रहने लगता है।